तो हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? तगड़े होंगे, अच्छे होंगे, धमाकेदार होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ बहुत ही तगड़ी चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, और आज के टाइम में बहुत यूज़फुल होती है। क्योंकि आज के टाइम में जो आपका फ़ोन है, बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं और बैटरी बैकअप इतना देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आज ला चुका हूँ, आप सब समझ ही गए होंगे, आज मैं ला चुका हूँ फ्रेंड्स पावर बैंक, जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे। और ये है पोटरोनिक का पावर बैंक, वो भी 10 के mAh वाली फ्रेंड्स, मतलब इसमें 10,000 mAh बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। मैसिव बैटरी है, प्लस इसके साथ फ्रेंड्स फास्ट चार्जिंग भी मिल जाता है आपको अच्छा खासा। तो चलिए इसकी सारी अनबॉक्स करेंगे, मगर उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। तो चलिए जाते हैं और फटाफट करते हैं अपनी अनबॉक्सिंग पोटरोनिक लेक्सस 10K पावर बैंक की। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आ गया हमारा पावर बैंक, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका बॉक्स जो है मेरा छोटा भाई फाड़ दिया है। तो चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं सारी डिटेल कि बॉक्स के अंदर मिलता क्या है। तो फ्रेंड्स, बॉक्स फाड़ने पे यही मिला था, और इसके अंदर देखते हैं आपको क्या मिलता है। तो चल सिंपली मैं निकाल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसको हम करते हैं साइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है हमारा पावर बैंक। आपको एक टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है हमको यूज़र मैनुअल, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। यहाँ मिल जाता है हमको मिनी वारंटी कार्ड, जैसा कि आप सब देख सकते हैं पोट्रोनिक्स की तरफ से। तो यहाँ फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं, ये मिल जाता है हमको हमारा पावर बैंक, जो देखने में बहुत ही कूल है। जैसा कि मैं अगर पावर बैंक को अपने फ़ोन से कंपेयर करूँ तो आप सब क्लियरली देख सकते हैं एकदम हाफ साइज़ का पावर बैंक है। और गाइस, पावर बैंक छोटा होने का मतलब ये नहीं कि इसमें फ़ीचर्स नहीं है, भर भर के फ़ीचर्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स इसमें। बैक में आप सब देख सकते हैं, यहाँ कुछ इसके बारे में जानकारी दी है, आप सब वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आपको लोगो देखने को मिल जाएगा, ब्रांडिंग नेम। ऊपर की तरफ आप सब देख सकते हैं, ये है इनका डिस्प्ले, और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ ब्रांड देखने लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ 22.5 वॉट का चार्जर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पावर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ चीज़ लिखा हुआ है, जो देखने में बहुत ही कूल लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे की तरफ मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा इसका पावर बटन, ये रहा टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट, जिससे आप पावर बैंक को भी चार्ज करोगे और पावर बैंक से अपने फ़ोन को भी चार्ज करोगे। ये रहा USB चार्जिंग पोर्ट। तो चलिए अब फटाफट बात कर लेते हैं इसके पावर सप्लाई की, कि कितने वॉट का ये आउटपुट देता है फ्रेंड्स। तो बात कर लो अगर इसके पावर सप्लाई की, तो ये 22.5 वॉट का आउटपुट देता है, सुपर फास्ट चार्जिंग, अच्छा खासा आपका फ़ोन चार्ज कर देता है अभी। तो टाइप सी पोर्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ कंपनी क्लेम करती है 20 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है। और जो USB अपना पोर्ट है, वहाँ कंपनी क्लेम करती है 22.5 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए पावर बैंक ऑन करते हैं। तो आपको सिंपली ये बटन प्रेस करना है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूं। प्रेस करने के बाद आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 4 लाइट इंडिकेट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, अगर पहली लाइट इंडिकेट कर रहा है तो आपका पावर बैंक 25% चार्ज है, दूसरी लाइट इंडिकेट करे तो 50% चार्ज है, तीसरी करे तो 75, और चौथी करे, मतलब चारों लाइट करे तो 100% चार्ज है। ये जो है LED आपको इंडिकेट करता है आपके पावर बैंक की चार्ज। तो फ्रेंड्स बात कर ले, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये रहा है इसका केबल, तो इसको भी हम फटाफट ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये हमको मिनी केबल मिल जाता है, जिसका क्वालिटी अगर मैं आपको दिखाने जाऊं, जैसा कि आप सब पास से देख सकते हैं, तो इसका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, ये रहा आपका 1 ईयर का जो है वारंटी रजिस्टर मिलता है इस पर। तो आपको सिंपली इसको स्कैन करके जो है रजिस्टर हो जाना है इनके वेबसाइट पे, तो आपको जो है आपके पावर बैंक का 1 ईयर का वारंटी मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी की फ्रेंड्स। तो अगर मैं बात कर लूँ पावर बैंक की बिल्ड क्वालिटी, तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड, प्लास्टिक बना है, मगर प्लास्टिक हार्ड प्लास्टिक है, तो अच्छी खासी आपको जो है बॉडी देखने को मिल जाता है। बॉडी के हिसाब से मैं इसको बहुत अच्छा कहना चाहूँगा। बात कर ले अगर इसके ऊपर की, आप सब देख सकते हैं जो डिस्प्ले आपको दिख रहा है,
ये शायद अगर आपके हाथ से पावर बैंक गिरे तो ये टूट सकता है, क्योंकि ये पूरा अलग ही दिया हुआ है, तो यहाँ जो है डिस्प्ले पे क्रैक आ सकता है। बाकी ओवरऑल अगर बॉडी बोलो तो बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं ये रहा पावर बैंक, और पावर बैंक में फ्रेंड्स मैंने जो है दो फ़ोन चार्ज लगाया है, एक ये रहा और एक ऊपर जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आप सब देख सकते हैं यहाँ भी फास्ट चार्जिंग लिख के आ रहा है, और मेरे जो दूसरा फ़ोन है उसमें भी फास्ट चार्जिंग लिख के आ रहा है। मतलब आप इस डिवाइस से जो है आराम से अपना कोई भी दो फ़ोन इजीली चार्ज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक और बात बता दूँ, जैसे कि अगर मैं यूएसबी से चार्ज कर रहा हूँ सिंगल डिवाइस, तो आप सबको एक और एलईडी इंडिकेटर के बारे में बता देता हूँ जो बहुत कम लोग बताएंगे। फ्रेंड्स जैसा कि मैं जूम ला के आपको दिखा दूँ अंधेरा करके, तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हैं एक ग्रीन जो है एलईडी ब्लिंक कर रही है, जैसा कि आपको मैं दिखाऊँ पास से। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपका जो पावर बैंक है वो अच्छा खासा वॉट जो है आपके फ़ोन को सप्लाई कर रहा है, फास्ट चार्जिंग जो है आपके फ़ोन को प्रोवाइड कर रहा है। आपका जो फ़ोन है वो फास्ट चार्ज हो रहा है, 22.5 वॉट का आउटपुट आपके फ़ोन में जा रहा है। तो फ्रेंड्स सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आप सब देख ही लियो आगे वीडियो में। तो चलिए फटाफट बात कर लेते हैं इसके और भी स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स बात करूँ इसके वेट की, तो 175 ग्राम आपको वेट देखने को मिल जाता है इसका। तो बात कर ले अगर इसकी बॉडी की, बॉडी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, उसमें मैं इसको रेट देना चाहूँगा 10 out of 9 बिकॉज ऑफ दिस डिस्प्ले। बात कर ले अगर इसके पावर सप्लाई की, तो दो पावर सप्लाई आपको देखने को मिल जाता है, एक 22.5 वाट का, एक 20 वाट का, जो भी बहुत अच्छा लगा मैंने आगे वीडियो में आपको दिखाया है। मैं इससे दो फ़ोन इजीली आराम से चार्ज कर सकता हूँ। बात कर लूँ तो इसमें एक और आपको मिल जाएगा लेक्सस वायरलेस मिनी, जिससे आप अपना जो है आईफोन भी चार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लो इसका अगर कंफर्टेबल की, तो आप सब देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा है, जो मेरा फ़ोन है उससे भी ये आधा आता है, और ये इजीली कहीं भी आपके बैग में, आपके पॉकेट में आराम से सेटल हो जाता है। मतलब आराम से आप कहीं भी रख सकते हो, और इसका इतना वेट भी नहीं है, तो आप लोग इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम आ गए अपने वीडियो के फाइनल सेगमेंट में, जहाँ हम आपको बताएंगे इसकी प्राइसिंग क्या है और क्या आपको ये पावर बैंक लेना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स बता दो इसके प्राइस का, तुम ये प्राइस मुझे पड़ा है 1,080 रुपये। थोड़ा मुझे कॉस्टली लगा, मगर इसके परफॉर्मेंस और इसके स्पेसिफिकेशन, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ देखने के बाद मुझे एकदम नॉर्मल लगा, मगर हम इसको बजट फ्रेंडली भी नहीं बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ क्या ये पावर बैंक आपको लेना चाहिए, क्या ये सही में आपका काम करता है कि बस ऐसे ही दे दिया है, तो बात कर लो फ्रेंड्स ये पावर बैंक आपको ज़रूर लेना चाहिए अगर आपका बजट है तो। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसकी बैटरी बैकअप, बिल्ड क्वालिटी और चार्जिंग सपोर्ट, चार्जिंग आउटपुट बहुत अच्छा देता है, बहुत मस्त लगता है, आपका फ़ोन इजीली जो है अच्छा खासा चार्ज हो जाता है। तो बस यहीं वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।